हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं माफियाज कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड का एपिसोड नंबर 16। जब प्रिया ने पूरी आइसक्रीम खा ली तो आदिक ने कहा, तुमने मेरे लिए नहीं छोड़ी? प्रिया मुंह बनाकर कहती है, सॉरी ना प्रिंस, आप चॉकलेट खा लो, मुझे तो आइसक्रीम खाने का मन था। आदिक प्रिया के होंठ और मुँह पर लगी आइसक्रीम को अपने मुँह में ले लेता है। प्रिया स्टैचू की तरह उसे देखती है। प्रिया की आँख में पानी आ गया। क्या हुआ? प्रिंस, आई एम सॉरी, आपको इतना आइसक्रीम खाने का मन था कि आपको ऐसे मेरे मुंह से खानी पड़ी। मैं पूरी खा गई, आपको पूछा भी नहीं, आपको मेरी झूठी खानी पड़ी, इतनी भूख लगी थी आपको। आदिक को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इस बात पर वो हंसे या रोए। वो उसको बाहों में भर लेता है। अगली सुबह आदिक काफ़ी देर से उसे उठा रहा था, वो उठ ही नहीं रही थी। आदिक उसे गोद में उठाकर ले गया और बाथ टब में रख दिया। पानी पड़ते ही प्रिया हड़बड़ाकर उठी, अरे मैं डूब गई, बचाओ प्रिंस, बचाओ। आदिक हाथ बांधे खड़ा उसे देख रहा था। प्रिया जब उठ गई, घूर कर उसे देखती है। वो बाथ टब में खड़ी होकर आदिक से कहती है, प्रिंस आप बहुत गंदे हो, ये क्या किया? कब से उठा रहा हूँ, तुम उठी ही नहीं, तुमने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। कॉलेज नहीं जाना? चलो शाबाश, अच्छे बच्चे की तरह नहाओ और तैयार करना है तुमको। प्रिया भागकर आदिक पर पांडा की तरह चिपक जाती है। प्रिंस आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, आज छुट्टी कर लेते हैं ना, और देखो मुझे बुखार भी है। वो खांसने की एक्टिंग करती है। आदिक उसकी चाल को अच्छे से समझता है। वो गुस्से से उसे घूर कर कहता है, कोई बहाना नहीं, चलो। वो बाथरूम से बाथरोब पहनकर बाहर आई तो आदिक ने उसके बाल सुखाए। वो मुंह फुलाकर बैठी रही। आदिक को उस पर हंसी आ रही थी। आदिक ने उसे कपड़े दिए तो प्रिया वो चेंज करके आई। आदिक ने उसे हल्के से लिप बाम लगाई और उसके बाल बनाए, फिर उसे ब्रेकफास्ट करवाया और फिर उसे गोद में उठाकर कार में बिठाया। प्रिया मुंह फुलाकर बैठी रही, चाहे कुछ भी कर लो, कॉलेज जाना ही पड़ेगा। प्रिया कूदकर उसकी गोद में बैठ गई। आदिक को पता था कि प्रिया अपना गुस्सा उतार रही है, पर वो चाहता था कि प्रिया अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी करे। प्रिया पूरे रास्ते मुंह फुलाकर बड़बड़ा रही थी, एक दिन नहीं जाती तो कुछ हो जाता क्या? नहीं, पर नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, हमेशा ऐसा मेरे साथ करते हैं। फिर कॉलेज आने ही वाला था। प्रिया आदिक का हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज प्लीज ना प्रिंस, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, आप भी चलो, प्लीज ना, प्लीज प्रिंस, मेरे हीरो, मुझे छोड़ के मत जाओ ना, वैसे भी आज कोई पढ़ाई नहीं होगी। कॉलेज आ गया और प्रिया आदिक की गोद में चिपक गई। वो उतरने को तैयार नहीं थी। आदिक उसे लेकर बाहर आया तो प्रिया उसके पैरों से चिपक गई। हटो प्रिंसेस, चलो, मेरा बच्चा सबसे अच्छे नंबर लाएगा, सबसे अच्छी पढ़ाई करेगा। प्रिया को काफी देर तक मनाने के बाद वो आखिरकार मानी। आदिक मन में कहता है, कभी कभी तो मुझे लगता है ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बच्ची है और मैं इसका बेबी सिटर। आदिक उसे बाय करता है। वो पीछे मुड़ती है तो आदिक अभी भी खड़ा था। वो गुस्से में अंदर जाने का इशारा करती है। वो पीछे मुड़कर उसे देखते हुए चली जाती है। अंदर जाते ही उसे दर्शन मिल जाता है। दर्शन प्रिया से कहता है, हेलो प्रिया, कैसी हो? तुम मुझसे दूर रहो। वो जाने लगी। अच्छा एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद तुम क्या करोगी? चलते चलते प्रिया के कदम रुक गए। वो मुड़कर कहती है, तुम्हें कैसे पता? चलो बैठकर बात करते हैं। प्रिया उसके साथ कॉलेज कैंटीन में जाती है। अब बताओ, मुझे कैसे पता ये छोड़ो, पर अपनी लाइफ के बारे में सोचो। कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं बसानी? शादी के बारे में क्या सोचा? ये सुनते ही प्रिया को निधि की बात याद आई। वो मैं, दर्शन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, सच तो ये है, मैंने जब से तुम्हें देखा है तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू प्रिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। प्रिया स्टैचू की तरह बैठी रही। कहानी में आगे क्या होगा?